हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए क्या आया है। जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, तो देखते हैं क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे सेड द जुडिशरी वॉज लूजिंग फ्रेश टैलेंट एज नेवर बिफोर बिकॉज प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर जजशिप्स इन द हाई कोर्ट्स गिव अप एज मंथ्स टिक बाय विदाउट अ डिसीजन फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑन देयर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि अभी टैलेंट हम नहीं ले पा रहे अच्छा, और टैलेंट क्यों हम लूज़ कर रहे हैं। मैनी अ ब्राइट लीगल माइंड विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लॉ प्रैक्टिस टू जॉइन द बेंच हैव फॉलन विक्टिम टू सेग्रीगेशन ऑफ द नेम बाय द गवर्नमेंट हु सीमिंगली प्रेफर वन नेम टू द अदर फॉर अननोन रीजंस। अ बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल एंड सुधांशु धुलिया नोटेड। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। आप देखिए अननोन रीजंस, तो मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो जब मेरिटोक्रेसी नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई किसकी बात हो रही है, फेवर की। तो वहाँ पे कोई बायसनेस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने ऐसा बोला है। पीपल आर डिक्लाइनिंग टू कम, पीपल आर डिक्लाइनिंग टू कम, वी ट्राई, वी एंडेवर टू गेट द बेस्ट टैलेंट। द बेंच हैज़ लॉस्ट गुड टैलेंट बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन, दे ड्रॉप आउट, विदड्रॉ। आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी नेम्स, बट वी लॉस्ट वन और टू वेरी गुड पीपल आफ्टर दे विदड्रू। जस्टिस कॉल एड्रेस अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी अपियरिंग फॉर द सेंटर। जस्टिस कॉल ड्रू द अटॉर्नी जनरल्स अटेंशन टू 70 नेम्स रिकमेंडेड फॉर जजशिप बाय हाई कोर्ट कोलिजियम्स विच हैव बीन पेंडिंग विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर 10 मंथ्स सिंस नवंबर 2022। 70 पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज लाई वैकेंट। वंस यू रिसीव द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट कोलिजियम, यू हैव टू डू सम बेसिक प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। यू हैव नॉट डन इवन दैट। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया, आप देखो यहाँ पे प्रोसीजर बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का कोलिजियम यहाँ पे डिसाइड हो गया है, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड कर दिए और 70 नेम्स उन्होंने दे दिए, और उसके बाद क्या हुआ, 10 महीने तक वो चीज़ गवर्नमेंट को आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचानी थी, वो चीज़ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम तक वो चीज़ नहीं पहुँचा, तो ये लॉस ऑफ टैलेंट ही तो हो रहा है। आप देखो 10 महीने हो गए जो नेम रिकमेंड हुए थे, 70 पोस्ट अभी भी वैकेंट है, और उसके ऊपर रिकमेंडेशन के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा है वंस यू रिसीव द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के बाद उसको कोई बेसिक प्रोसेसिंग करके फॉरवर्ड किसको करेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये कौन फॉरवर्ड करता है, ये हमारा गवर्नमेंट करता है। तो सिंपल सी बात, हाई कोर्ट कोलिजियम से आ जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट बेसिक प्रोसेसिंग करके उसको सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को फॉरवर्ड करती है। तो ये हो गया, ये होने को तैयार है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा यही चीज़ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रॉब्लम है। ही सेड देर वॉज नो वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन 26 ट्रांसफर रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। द मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर रिक्वायर द गवर्नमेंट टू अपॉइंट नेम्स रिइटरेटेड बाय द कोलिजियम विदाउट फर्दर डिले। सीनियर एडवोकेट अरविंद दटार एंड एडवोकेट अमित पाई अपियरिंग फॉर द पिटिशनर एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु सेड सेग्रीगेशन ऑफ सर्टेन नेम्स आउट ऑफ लिस्ट प्रोवाइडेड बाई द कोलिजियम्स टू द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी एम्बेरसिंग। एडवोकेट प्रशांत भूषण सेड द गवर्नमेंट सेग्रीगेटेड नेम्स डिस्पाइट द कोलिजियम फॉर फॉरबिडिंग द प्रैक्टिस। ही सेड इट वॉज टाइम फॉर द कोर्ट टू क्रैक द विप एंड हॉल समवन अप फॉर कंटेम्प्ट। मिस्टर वेंकट रमानी हैज आस्क फॉर वीक्स टाइम टू इंक्वायर अबाउट द स्टेटस। तो बोले भाई हफ्ते भर में बताओ क्या स्टेटस है। द कोलिजियम रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द चीफ जस्टिस टू अ वेरी सेंसिटिव कोर्ट इज पेंडिंग। वो सेंसिटिव कोर्ट कौन सा है, देखिए देखते हैं। जस्टिस कॉल सेड ही वॉज रेफरिंग टू कोलिजियम रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट टू अपॉइंट दिल्लीज हाई कोर्ट जज। तो देखिए सेंसिटिव इसको बोला गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे इसकी भी बात, ये भी सेंसिटिव हो गया क्योंकि अभी जो मणिपुर वायलेंस हुआ था आपका। द कोर्ट गेव द अटॉर्नी जनरल टाइम टिल अक्टूबर 9 द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग टू कोक्स द गवर्नमेंट्स इनटू एक्शन ऑन पेंडिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब आप देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे
सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इसके अपॉइंटमेंट्स, इसके किसके, जजेस के, ठीक है, जजेस के अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट हमारे लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक 3 जजेस केस है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से अपॉइंटमेंट्स के लिए कोलिजियम इसी में दिया हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है, पहले 2 जजेस केस था, उसके पहले 1 जजेस केस था, फिर अब ये फाइनली ये है 3 जजेस केस जो है आपका यहाँ पे कोलिजियम है। तो ये हमें बताना है कि ये केस बताना क्या, ये केस में देख लेना एक बार, जजेस के अपॉइंटमेंट देख लेने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड हमें एंड क्या मतलब हमें इनके पावर्स, आप देखो पावर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है, और इनके फंक्शंस ये हमें देखने हैं, ठीक है। और आप देखिए ये जो भी टसल चल रहा है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुडिशियरी के बीच में, आप इसमें क्या चाहते हैं, इसको आप सेपरेशन ऑफ पावर से भी डिनोट करिए कि हमारा ये सेपरेट पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर है, तभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक अच्छा एग्जांपल है कि हम गवर्नमेंट को यहाँ पे अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने ये काम किया, ये काम नहीं किया, हम गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको गवर्नमेंट को ऐसे आदेश दे रही है कि भाई करो। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हमारे लिए एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे केशवानंद भारती केस में। और आपको मतलब ये ऐसे लिंक कनेक्ट करो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है इस आर्टिकल में। ये कुछ स्टैटिक पार्ट जो मैंने बताया है ये देखने के लिए हमारे लिए हो जाता है। और रिसेंटली ये हमारा जो टसल चल रहा है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, ठीक है, तो हमें एक इसके ऊपर शॉर्ट नोट कि अगर कहीं पे पूछे या कुछ हो तो हम वो बोल पाए, और उसको कनेक्ट करें किससे, सेपरेशन ऑफ पावर और बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस एंड, और अगर ये नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, तो फिर इसके इम्पैक्ट, ठीक है, हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।